हेलो स्टूडेंट्स, आई एम दिग्विजय सिंह। आई विल टीच यू मैथ्स ऑफ क्लास 7। ठीक है, इस समय लॉकडाउन का माहौल चल रहा है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है। तो प्रीवियस में हमने वर्कशीट के माध्यम से आपको इंटीजर्स के बारे में भेजा था, इंटीजर्स कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके भेजे थे। आई थिंक दैट आपको समझ में आए होंगे, आपने उसको डाउनलोड कर लिया होगा। अब आपको वीडियो के माध्यम से हम फ्रैक्शन को समझाने की कोशिश करेंगे। बेटा फ्रैक्शन क्या होता है थोड़ा सा बहुत शॉर्ट में समझाएं, क्योंकि डीपली समझाने से वीडियो बड़ा होगा तो अपलोड करने में दिक्कत होगी आपको। तो फ्रैक्शंस क्या होता है? तो अ नंबर विच इन द फॉर्म ऑफ ए अपॉन बी, अ नंबर विच इन द फॉर्म ऑफ, फ्रैक्शन की बात हम कर रहे हैं बेटा। क्यों वाली बात फ्रैक्शन क्या होता है, क्योंकि सबसे पहले से जो चैप्टर है उसके बारे में समझना जरूरी है। फैक्टर चैप्टर है क्या? तो फ्रैक्शन क्या है कि अ नंबर विच इन द फॉर्म ऑफ ए अपॉन बी वेयर ए एंड बी आर होल नंबर एंड बी डज नॉट इक्वल टू जीरो, ऐसे कर सकते हैं, या ए एंड बी आर नेचुरल नंबर्स कर सकते हैं। ठीक है, फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? फ्रैक्शन का मतलब होता है बेटा पार्ट। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक एप्पल है, बढ़िया एकदम मीठा मीठा बढ़िया एप्पल है, और आप उसे जाके बस खा लें, कोई मिले ना, तब तक कोई एक आपका दोस्त आ गया। जब दोस्त आ गया तो क्या करना पड़ेगा आपको? कट करना पड़ेगा। आपने उसको, जैसे एप्पल है बढ़िया फर्स्ट क्लास एप्पल आया है, आपने इसको कट कर लिया। जैसे ही आपने कट किया तब तक एक और आ गया। जैसे आपने इसको दो भाग में किया तो एक पार्ट हुआ 1/2। सपोज करिए आपने इस एप्पल को तीन भाग में किया और एक भाग आपको मिला, ये हो गया 1/3। तो फ्रैक्शन का मतलब होता है पार्ट, एक के कितने पार्ट किए गए और जो पार्ट एक को मिला वो उसका 1/3, जितने पार्ट किए रहते हैं। अब इसमें ए क्या होता है बेटा? अगर ए अपान बी है तो ए को हम न्यूमरेटर कहते हैं, ए को क्या कहते हैं? न्यूमरेटर। बी को डिनोमिनेटर। ठीक है, ए इज द न्यूमरेटर एंड बी इज द डिनोमिनेटर। अब टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस, अब देखो बेटा क्या होता है, लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शंस होते हैं। लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन होते हैं। लाइक फ्रैक्शन क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन हम सबको लिख रहे हैं। डेफिनेशन आप क्लास 6 में पढ़ चुके होंगे, सबकी डेफिनेशन आप लिखेंगे कॉपी में। लाइक फ्रैक्शन, टू आर मोर फ्रैक्शंस हैविंग द सेम डिनोमिनेटर्स। अनलाइक फ्रैक्शंस, टू आर मोर फ्रैक्शंस हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर। उसके बाद बेटा आता है प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, फिर आता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? अगर ए न्यूमरेटर है बी डिनोमिनेटर है तो ए इज लेस देन बी, ए इज लेस देन, जैसे 2/3, 5/7, यानी न्यूमरेटर ऑलवेज लेस देन डिनोमिनेटर, इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। और अगर बेटा यही है ए अपॉन बी है तो ए इज ग्रेटर देन बी, अगर ए अपॉन बी है तो ए इज ग्रेटर देन बी, जैसे 3/2, 7/5, 9/3 या 9/7, इस तरीके का जो है, यानी कि न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, एंड न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, तो प्रॉपर फ्रैक्शन। वी कैन कन्वर्ट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, अब इसके बाद आता है बेटा यूनिट फ्रैक्शन, एक आता है यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन मतलब क्या होता है? जैसे 1/3, 1/2, 1/5, दीज आर द यूनिट फ्रैक्शन। ठीक है, इनका न्यूमरेटर केवल 1/1 के इक्वल होता है। उसके बाद आता है डेसिमल फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है? जिसका डिनोमिनेटर 10, 100, 1000 या इनके मल्टीपल में होता है, इजीली यू कैन कन्वर्ट दैट इनटू पार्ट ऑफ डेसिमल, दैट इज डेसिमल फ्रैक्शन। एक होता है बल्गर फ्रैक्शन। बल्गर फ्रैक्शन क्या होता है कि इनके अलावा, मतलब डिनोमिनेटर डिफरेंस अदर देन 10, 100, 1000, इनके अलावा जो डिनोमिनेटर्स होते हैं वो बल्गर फ्रैक्शन कहलाते हैं। तो बेटा फ्रैक्शन क्या होता है, टाइप ऑफ फ्रैक्शन, लाइक अनलाइक, प्रॉपर इम्प्रॉपर, यूनिट फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन, इन फ्रैक्शंस को आप क्लास 6 में ऑलरेडी पढ़ चुके हो, इसलिए हम हल्का सा पढ़ा रहे हैं ताकि आप इसको, क्लासेस की बुक होगी तो आप आराम से इसको नोट डाउन कर सकते हो। इसके बाद बेटा आता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है? इसका वन पार्ट होल होता है, वन पार्ट इन, वन पार्ट प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। जैसे मान लीजिए 4 होल 2/3, ये किसका होता है? यानी 14/3 है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो जब हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर को, चाहे न्यूमरेटर छोटा हो चाहे न्यूमरेटर बड़ा हो, ठीक है, हमेशा डिनोमिनेटर डिवाइजर होता है, न्यूमरेटर डिविडेंड होता है। तो 14 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 × 4 = 12 या 2 बचा, तो क्या होता है बेटा? कूसेंट होल रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, कूसेंट होल रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। तो कूसेंट 4 है, होल 2/3,
तो क्या है रिमाइंडर, ठीक है। तो इस तरीके का मिक्स फ्रैक्शन होता है, वन पार्ट इसका होल होता है, अदर पार्ट फ्रैक्शनल होता है, जो कि प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, ठीक है बेटा। अब इसमें क्या होता है, बहुत सारे क्वेश्चन आप ले सकते हैं, हम आपको देंगे क्वेश्चन, इसमें आप नंबर्स को कंपेयरिंग, फ्रैक्शंस कंपेयरिंग कर सकते हैं, कौन फ्रैक्शन बड़ा है कौन फ्रैक्शन छोटा है। कंपेयरिंग करने का तरीका होता है, कंपेयरिंग करने का तरीका है कि जैसे मान लीजिए 2/3 और 1/7 है, या 1/5। तो कंपेयरिंग करने में बेटा क्या होता है, अगर डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर अगर 2/3 1/3, तो इफ डिनोमिनेटर्स आर सेम देन विच न्यूमरेटर इज ग्रेटर दैट फ्रैक्शन इज ग्रेटर। जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो जिस न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर, जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर बड़ा होता है वो फ्रैक्शन बड़ी होती है। और जैसे मान लीजिए 3/5 और 3/7, जब न्यूमरेटर सेम होता है, व्हेन न्यूमरेटर्स आर सेम एंड डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट, देन विच डिनोमिनेटर इज लेस दैट फ्रैक्शन इज ग्रेटर। उल्टा होता है, जैसे इसमें 5 और 7 है तो 5 छोटा है, ये बड़ा होगा, ठीक है। तो जिसका जब डिनोमिनेटर सेम हो तो न्यूमरेटर जिसका बड़ा होगा वो फ्रैक्शन बड़ी होगी, और जब न्यूमरेटर सेम हो तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा फ्रैक्शन बड़ी होगी। और दोनों अगर डिफरेंट हैं तो हम दो तरीके से निकालते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 2 10, 5 × 2 10 हो गया, 3 × 1 3 हो गया, ये बड़ा हो गया, 10 और 3 आया तो ये बड़ा हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा। एक तरीका और है डिनोमिनेटर को सेम करके, 3 5 15, एलसीएम इनका 15 हो जाएगा, 3 5 5 2 5 3 3 बन जाए। तो इसमें 10/15 और 3/15 हमने बताया कि अगर डिनोमिनेटर सेम है, जिसका न्यूमरेटर बड़ा रहेगा, 10/15 इज ग्रेटर देन, सो 2/3 इज ग्रेटर देन। इस तरीके से आप जानकारी क्रिएट करिएगा, इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस लेकर सॉल्व करिएगा, हम आपको वर्कशीट के माध्यम से क्वेश्चंस देंगे, ठीक है। तब तक आप घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए और कुछ न कुछ पढ़ते रहिए, पढ़ाई को छोड़िए मत, क्योंकि इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ, इट इज क्रिएट योर फ्यूचर। सो बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।